ज्ञान बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, बहुत नेचुरल है। नेचुरल समझ रहे हैं? आसान है, इसको एडॉप्ट करने में कोई तकलीफ नहीं है। जो सबसे आसान होता है उसी को ज्ञान कहते हैं। जब थोड़ा सा वहां पर डिफिकल्ट है, प्रॉब्लम है समझने में, समझाने में, वो ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो बाबा के ज्ञान कितना सिंपल है। भाई जी 15-20 मिनट एक टॉपिक पे गहराई में जा करके बात सामने लाते हैं और उसके लिए बहुत सुंदर बाबा का महावाक्य बोलते हैं। ध्यान दिया आप लोगों ने, जो मुरली में एक बहुत सुंदर महावाक्य, उसी महावाक्य के पीछे आधा घंटे साइंटिफिकली अपना अनुभव के साथ, अध्ययन के साथ, आपका भी अनुभव के साथ आप बात की स्वीकार करते हैं, क्योंकि आपका अनुभव उसमें इन्वॉल्व है। आप उससे जूझ रहे हैं, आप उसको सामना कर रहे हैं, आपके साथ हो रहा है, आपने अनुभव कर चुके हैं या कर रहे हैं, इसीलिए आप क्या करते, ताली बजा लेते हैं। हाँ भाई जी, हाँ भाई जी, हाँ भाई, बजाते कि नहीं बजाते? अगर वो आपका कोई बात ही ना हो, मंजूनाथ भाई बैठते वही कहानी शुरू कर दिया था कि राम ने सीता को ले गए, पांडव वनवास में भटक गए, तो आप क्या कहते, तो उनकी कहानी हमारे क्या कहानी। आप देखो हम लोग कुंभ मेले में जाते हैं, लाखों का पंडाल लगाते हैं, लाखों का, और सुनने वाले 10-5 भी नहीं बैठते। मैंने 4 कुंभ अटेंड किए और कोई बहुत अच्छा सुनाने वाले बैठे रहते, वो किसको सुना रहे हैं उनको भी नहीं मालूम, क्यों सुनाना है वो भी नहीं मालूम, और जो लोग आ रहे हैं हमें सुनना चाहिए, क्यों सुनना चाहिए उन्हें भी नहीं। ये तस्वीर आप देखो संसार का क्या है। तो इसीलिए हम लोग भी गंभीर होकर के इस ज्ञान का जो बातें हमारे सामने आता है ये हमारे लिए, मुझे सबसे बड़ी खुशी होती है जब भी मैं बचपन से ज्ञान को स्वीकार किया, आज भी मुझे यही नशा है, ये ज्ञान मेरे लिए। मैंने कभी दहे वह नहीं देखा, इनके लिए है या इनके लिए नहीं है मुझे नहीं मालूम, किसके लिए है। अच्छा, ये ज्ञान किसके लिए है, कितने लोग समझ रहे बताए, तो कितना खुशी होगी आपको, कितना खुशी होगी। इसी को उन्होंने लिख दिया अर्जुन को, अर्जुन ज्ञान का आर्जन करने वाले अर्जुन, बस दो ही लोगों को दिखा दिया, एक ज्ञान देने वाले एक सुनने वाले, वो दो ही थे। यहाँ भी कितने लोग हैं, यहाँ भी कितने लोग हैं, जो हम लोग मुरली सुनाते हैं ना क्लास में, आज तक हमने कभी नहीं सुनाया, समझा हम किसी को मुरली सुना रहे हैं, कभी नहीं, हम मुरली सुन रहे हैं, थोड़ा जोर से आवाज से सुन रहे तो और सुन रहे, बस हम ये समझते हैं हम मुरली अपने लिए सुन रहे हैं, और थोड़ा जोर से बोलेंगे तो दूसरे लोग सुन, कभी ये नहीं मन में लाया हम दूसरों को मुरली सुना। जिस दिन आपने इस ज्ञान को स्वीकार कर लिया, ये ज्ञान मेरे लिए है, मेरे परिवर्तन के लिए है, मेरे कल्याण के लिए है, मेरे भविष्य के लिए है, जन्म जन्मांतर कल्याण के लिए है, समझ लो हर कदम आपको मन में, बुद्धि में, आपकी चित्त में, आपकी वृत्ति में, आपकी भावनाओं में एक गुप्त रूप में ईश्वरीय नशा का, गॉडली इंटॉक्सिकेशन आपके मन में पैदा हो जाए, और वो नेचुरल रहे। जैसे एक बहुत बड़ा राजा का बेटा छोटा रहता है, सब राजा का बेटा, राजा का बेटा, उसको कुछ नहीं मालूम उसकी क्या प्रॉपर्टी है, उनका पिता राजा है, उनका तमाम राज दरबार है, तमाम पैसे है, कुछ नहीं है, लेकिन सब क्या बोलते उसको समझाते रहते, तुम्हारे पास ये है, ये है, ये है, ये है, एकदम उसके अंदर एक नशा डेवलप हो जाता है कि मैं एम सन ऑफ किंग, बस उस नशे से पूरा जिंदगी जीता और कुछ नहीं, क्रिएट हो गया। तो आप जिस दिन इस ज्ञान को मेरे लिए समझ लिया, समझो बेड़ा पार। और जगह क्या समझते हैं, प्रचार क्या करते हैं, प्रवचन क्या करते हैं, भाषण क्या देते हैं, वो सब दूसरे के लिए, मेरे लिए है ही नहीं।
हर कोई अगर ये समझेगा मेरे लिए नहीं है, तो हमारा भारत का संस्कृति का, भारत का सभ्यता का, भारत का परंपराओं का, भारत का तस्वीर का, भारत का ऊंचाई का सीधा हम लोग गर्त में आ गए। ये बड़ा सीक्रेट है। हम लोग कभी कभी कुछ चीजें गंभीर होकर सोचते हैं, क्या परमात्मा का ज्ञान का महत्व क्या है, उसकी ऊंचाई, उसकी क्वालिटी क्या है, उससे इंसान कैसे मनुष्य देवता बनता है और विकारों से मुक्त हो सकता है।